नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त चीतू अरवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिंपल वे ट्यूटोरियल सीखो लेकिन अपनी भाषा में। क्या आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं? तो डोंट वरी दोस्त, ये वीडियो केवल आपके लिए ही बना है और इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें ताकि आपको मैं सारी नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सब नाम आता है कंप्यूटर। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपन्न करती है और यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम कंप्लीट करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कंप्यूटर कैसे आया, ये शब्द कहाँ से आया? तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर एक शब्द जो है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ है, कंप्यूट से लिया गया है। इसका जो अर्थ होता है वो है कैलकुलेशन करना, यानी किसी चीज़ की गणना करना। डेफिनेशन को मैं इंग्लिश में प्रोनाउंस करूँ तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेस डेटा फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस द डेटा एंड गिवन डिजायर्ड आउटपुट। कंप्यूटर मुख्य तौर से तीन काम करता है। पहला, डेटा को लेना जिसे हम इनपुट कहते हैं। दूसरा काम जो होता है डेटा को प्रोसेस करना जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे ही प्रोसेस हो जाता है तो थर्ड जो काम होता है वो प्रोसेस्ड डाटा को दिखाने का होता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस। पहला जो होगा वो इनपुट डिवाइस होगा जिसमें हम इनपुट दे सकते हैं, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, चेक देख भी सकते हैं, इतनी सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट इन द सेंस जिससे हमें आउटपुट मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है इतनी सारी आउटपुट डिवाइस होती हैं। एक अब नेक्स्ट जो होता है सीपीयू एंड मास स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो मैं बिना समय गवाए बता देता हूँ कि मॉडर्न कंप्यूटर का जो आविष्कारक है वो वेवेज को कहा जाता है, चार्ल्स वेवेज जो हैं इनको कहा जाता है, और इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार किया था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद दोस्तों।